लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच फंस गया है। रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में सीपीआई का सीट राजद को मिलने से सीपीआई खेमा के साथ साथ पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी खासे नाराज हैं। वहीं उन्होंने बीमा भारती को समर्थन न देने की बात भी कही है। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए नेताओं ने भी गठबंधन धर्म का पालन करने की सीख एनडीए से लेने की सलाह दी है। राजद से पूछना चाहूँगा, आप जो सुचित्रता की बात करते हैं या जो लोग इतनी बड़ी घटना के बावजूद आपने बिना किसी जांच के आप क्यों इतनी जल्दीबाजी दिखाई? लोगों में आपने संदेश क्या दिया? लोगों में संदेश क्या जा रहा है? जब आपके महागठबंधन के सीपीआई वहां चुनाव लड़ रहे थे तो आप सपोर्ट कर देते, सीपीआई के साथ खड़े हो जाते, अगले बार भी महागठबंधन के वो उम्मीदवार थे, आप फिर इनको आगे लड़ा देते। जो घटना घटित हुई है और जिस तरह की परिस्थितियां सामने में है, इस जन्म में क्या 100 जन्म में मेरा सहयोग पूर्णिया की जनता और पूर्णिया की आवाम और उसकी खुशी और उसकी ज़िंदगी मेरे लिए प्राथमिकता है। मेरे लिए मेरा पद प्राथमिकता नहीं है और कांग्रेस कभी भी अपराधी और समाज विरोधी लोगों की मदद नहीं करता है। हम कांग्रेस से आग्रह करेंगे कि हर कीमत पर ऐसे लोगों का मदद नहीं किया जाए जो पूर्णिया में आतंक का कारण बना हुआ। मुझे क्या निर्णय लेना है? मैं तो कहा कि सीपीआई के जब यहाँ लोग लड़ रहे थे तो महागठबंधन को सीपीआई को साथ देना चाहिए और कांग्रेस को भी सीपीआई को साथ देना चाहिए। वहाँ भी हम लोग गठबंधन धर्म का ही पालन कर रहे हैं और गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। हमारे गठबंधन में एलजेपी भी शामिल है। एलजेपी के एक उम्मीदवार शंकर सिंह इस बार रुपौली से चुनाव लड़ना चाहते हैं और जब उन्हें लगा कि एनडीए गठबंधन से उसको टिकट नहीं मिलेगा, वहाँ दूसरा धर्म का पालन हो रहा है गठबंधन धर्म का, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और स्वयं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में खड़े। लेकिन यहाँ दूसरी ओर गठबंधन धर्म का कोई पालन नहीं हो रहा है। सब सोचते हैं कि मैं ही खड़ा हो जाऊं और ख़ास करके उसमें लालू जी के पुत्र तेजस्वी यादव, वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द रास्ता साफ हो जाए ताकि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो सकूं। तो इस तरीके से गठबंधन धर्म का पालन नहीं होता है। आपने अगर किसी के साथ गठबंधन किया है तो उसको पूरी निष्ठा से करना चाहिए। दिलीप कुमार दीपक, जिला भाजपा प्रवक्ता। उस चुनाव में भी आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन कोई गठबंधन नहीं है, ये घमंडिया गठबंधन है और इसमें किसी एक दूसरे को मानने के लिए कोई नेता तैयार नहीं है, कोई दल तैयार नहीं है। सबों को अपना अपना वर्चस्व दिखाई दे रहा है। जहाँ तक राजद का सवाल है तो राजद ये नहीं चाह रहा है कि इंडिया गठबंधन के किसी दल को हम इस तरह प्रश्रय दें, बल्कि वो हर जगह दादागिरी करके चाह रहा है कि हम अपना अकेला हम निकालें, जबकि उनकी यह हैसियत है कि 24 सीट पर लड़ते हैं और 4 सीट लाते हैं। पूर्णिया में आपने देखा होगा कि स्वयं तेजस्वी यादव 42-42 विधायकों को लेकर कैंप कर रहे थे, हासिल क्या हुआ? जमानत तक नहीं बचा पाए। और पुनः जो रुपौली में उपचुनाव हो रहा है उस चुनाव में वहाँ सीपीआई के लोग जो सिंबल लेके आ गया है विकास मंडल, सीपीआई एक तरफ है अपना सिंबल अलॉट कर चुका है, एक ही सीट का चुनाव है, वास्तव में उस सीट सीपीआई की है, राजद का सीट है नहीं। लेकिन तेजस्वी जी अपना जोर मारे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, हम सीपीआई नहीं लड़ेगा, हम स्वयं लड़ेंगे। तो इससे आप स्पष्ट हो सकता है कि बिहार में या हिंदुस्तान में, खास करके जहाँ तक बिहार का सवाल है, तो बिहार में कोई इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इस गठबंधन के लोग, जहाँ तक तेजस्वी यादव का सवाल है, तो तेजस्वी यादव किसी को भी दूसरे दल को
मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको अपना एकमात्र मुख्यमंत्री का कुर्सी दिखाई दे रहा है। क्या लगता है 2025 में रहेगा फिर गठबंधन? ये सब ये गठबंधन आज भी नहीं है तो 25 में कहाँ से रहेगा? गठबंधन तो है नहीं, ये तो लोगों को ठगने के लिए दिखावा के लिए गठबंधन है, और गठबंधन कोई गठबंधन नहीं है, और 25 में कहाँ से रहेगा? और 25 में आज जो चार लेकर के आप लोग गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं रुपौली में? हाँ, हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। हमने पूरे बिहार में इस बात का साबित दिया है कि हमारा दल हम धर्म गठबंधन धर्म को हम स्वाक्षर पालन करते हैं, हम गठबंधन धर्म के खिलाफ नहीं जाते। इसलिए आप लोग यहाँ जदयू, हम लोग वहाँ जदयू का मदद करेंगे, लेकिन वहाँ पर तेजस्वी यादव अगर बीमा भारती को या उनका जो उम्मीदवार होगा तथा कथित जो भी उम्मीदवार होगा उसका जमानत नहीं बचेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन कुछ है नहीं, यह घमंडिया गठबंधन है। और तेजस्वी यादव के सामने उनको अभी याद आना चाहिए कि वो MI समीकरण पर कूदते थे। कहाँ गया MI समीकरण? पूरे बिहार में MI समीकरण ध्वस्त हो चुका है। आज जहाँ जिसका वर्चस्व है वहाँ पर समीकरण है। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम वैद्यनाथ सिंह है, हम LGP